हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 20 अगस्त को जो आपका पेपर है उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, और सीडीपी का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब मैं करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम हो, आप कितना भी पढ़ लें लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 30 जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं एग्जामों में उस वही दिया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप लोग इसमें से लगाएंगे और खुद से इसमें से कम 25 से 28 नंबर प्राप्त करेंगे। तो अगर यही प्रश्न पत्र आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको मिल सकें, यही हमारी आशा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीडीपी का अपने इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? एक आयामी है, एक दिशाई है, बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। देखिए दोस्तों, जो सीडीपी का पेपर होता है वह बहुत ही धैर्य से करने वाली बात होती है। इसमें छोटा प्रश्न नहीं पूछा जाता, जैसे डेवलपमेंट इज ये बहुत छोटा है, चर्चल लाइन का पूछा जाता है ताकि आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर उसी में से मिलेगा, और कोई थ्योरी नहीं है इसकी ज़्यादा। तो डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट क्या है, तो यह मॉडिफिएबल है, क्या है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये क्या है, मॉडिफिएबल है। दूसरा देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्रिटरमाइंड बाई जेनेटिक्स या हेरिडिटी, इनमें से कौन सा पूर्णता अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? अनुवांशिक क्या होता है? अनुवांशिक वही होता है जो माता पिता से बच्चों में जो लक्षण आते हैं, जन्मजात लक्षण होते हैं, उन्हीं को अनुवांशिकी लक्षण कहा जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्णता अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, मित्रों का चयन तो हो नहीं सकता, आँखों का रंग ये हो सकता है, एकेडमिक शैक्षणिक सफलता रुचि, तो इसमें क्या हो जाता है, आँखों का रंग। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर सही मारना है। तो कलर ऑफ द आइज इज द क्या है, ये जेनेटिक्स, जेनेटिक का गुण है। आगे देख लेते हैं, डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रेन अंडरगो व्हेन दे इंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। हिंदी में देख लेते हैं, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो क्या होता है, परिपक्वता, पैसिव सोशलाइजेशन, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण। जैसा कि आप जो लोग जानते हैं कि जो बच्चों का विकास का पहला प्राथमिक होता है वो क्या होता है, परिवार होता है। तो स्कूल क्या हो जाएगा आपका, आप खुद से आंसर मार सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण की संस्थाओं में प्रवेश करके क्या होता है, द्वितीयक समाजीकरण होता है बालकों का। देखिए प्राथमिक अभिकरण क्या है, परिवार है, पड़ोस है, यही सब होता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, जो आपको दिमाग में अगर आएगा तुरंत आप आंसर लगा देंगे। कि प्राथमिक अभिकरण क्या होता है, परिवार होता है, पड़ोस होता है, क्रीड़ा समूह होता है, मतलब खेल का जो ग्राउंड होता है वह, और विवाह आदि, ये सब प्राथमिक उपकरण हैं। और द्वितीयक में क्या आ जाएंगे, शैक्षणिक संस्थान आ जाएंगे, आर्थिक संस्थान आ जाएंगे, जैसे बैंक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक संस्थाएँ, सांस्कृतिक संस्थाएँ आदि। इसमें पुस्तकालय नहीं होगा, जैसे पुस्तकालय भी दे देता है तो पुस्तकालय नहीं होगा, क्योंकि पुस्तकालय में आप व्यक्तियों से ज्ञान नहीं प्राप्त करे, वो पुस्तक होती है। इन कोहलबस मॉरल डेवलपमेंट थियोरी स्टेज 3 एट लेवल 2, तीसरे स्टेज के लेवल 2 में कन्वेंशनल मोरालिटी इज रिफर टू, क्या होता है इसमें, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर की पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहलबर्ग के जो तीसरे स्टेज का जो दूसरा लेवल है वो क्या है, गुड गर्ल गुड बॉय, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये क्या होता है। तो कोहलबर्ग, देखिए यहाँ पर दिया गया है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, इसमें एक दूसरे के प्रति क्या होता है, इज्जत सम्मान देने की भावना होती है, तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा होती है, जैसा करेंगे वैसा पाने की इच्छा होती है। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना है, स्वीकृति पाना है जिससे उसे प्रसन्नता मिले, इसमें अच्छे बालक अच्छी बालिका जैसा व्यवहार करने में रुचि लेते हैं। अगला देख लेते हैं, इन जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता की एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये होता है, यहाँ पर दिया गया आंसर नंबर ए है, जीन पियाजे के सिद्धांत में, देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा प्रवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण
नए स्कीमा की रचना होती है, जो आपके दिमाग में पहले से जो ज्ञान है उसमें आप बदलाव फिर बदल करके समाज में जो नया ज्ञान अर्जित करते हैं उसी को बोलते हैं स्कीमा। तो यही हो जाता है एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पता, एकोमोडेशन समायोजन करते हैं, अपने जो पूर्व ज्ञान है उसे जो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके बीच में जो समायोजन करते हैं उसी को बोलते हैं स्कीमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज अ कंसेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट्स इन्फॉर्मेशन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, यह हो जाता है स्कीमा। देखिए आ गया वही स्कीमा से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पियाजे के अनुसार स्कीमा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना और प्रतिपादित करता है, ये हो जाएगा स्कीमा। इसका करेक्ट आंसर अगला देख लेते हैं। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है। रश्मि क्या है यहाँ पर, शिक्षिका, और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती, निम्नलिखित में से कौन सा का समर्थन करता है, सिगमंड फ्रायड, बी एस स्कीनर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आप इसका नीचे वाला पढ़ सकते हैं अपने से वीडियो रोक कर, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको नंबर गेनिंग बोलते हैं, इसी को नंबर टॉपिक्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग बाय द टीचर। इसके फोल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाड़ या ढांचा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पाड़ या ढांचा। मतलब क्या होता है कि आपको टेम्परेरी हेल्प करता है, किसी भी चीज़ में टेम्परेरी हेल्प करता है उसको प्राप्त करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग बाय द टीचर, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, रटना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा करना। तो रटना अगर कहीं विकल्प में आ गया, ऑप्शन में आ गया रटना, तो गलत हो जाएगा। बिना सोचे समझे आपको रटना पर टिक मार देना है, आगे बढ़ जाना है। रटना अध्यापक द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है। देखिए पाड़ से तात्पर्य बालकों के प्रगतिशील तरीके से उच्च समझ तथा अंततः विशेष अनुभव प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया में निर्देश तकनीकों से, कि आप जो आता है आपको तो आता ही, अंदर सभी बाल के बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनको निर्देश की जरूरत होती है क्या करना है, जो निर्देश पाते ही अपने कार्य को सफल करते हैं उसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग। इसको बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प बाय द टीचर गिवन टू स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसमें से क्या है देख लेते हैं। बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन, इंक्रीज मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव, ये तो सही हो जाएगा। ग्रुप कोलोबरेशन, सामूहिक सहयोगिता, ये भी सही है। ड्रिल एंड रीड, वेदन व दोहराव, वही रटना वाली बात आ गई, तो आपको यहाँ पर टिक मार देना है ड्रिल। एंड रिकॉल, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोगात्मक सब विकास के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसको। हू डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है, तो किसने यह परिभाषित किया है, तो हार्वर्ड गार्डनर, क्योंकि इन्होंने सामान्य बुद्धि के बारे में बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। जो व्यक्ति को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन करने में, सांस्कृतिक मूल्य युक्त अभी विभिन्न क्षेत्रों में नए ज्ञान की खोज करने में सहायता करती है। अगला देखते क्वेश्चन। इन्होंने आठ प्रकार, गार्डनर ने क्या था, आठ इनके अध्ययन किया और इन्होंने आठ प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया है। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानीय, शारीरिक, संवेगी, संगीत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःव्यक्ति और प्रकृतिवादी। ये बुद्धि इन्होंने दिया है, तो गार्डनर ने दिया है। 11 देख लेते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव स्कूल में, क्लासरूम में किस प्रकार का महत्व दिया जाना चाहिए, तो संकलनात्मक, समेटिव, एक आयामी, मानकीकृत एवं समान मूल्य, ये नहीं हो जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब संरचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच।
तो वायरसी सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्मकेंद्रितता का क्या है, घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है, यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो वायरसी के अनुसार प्राइवेट स्पीच होता है, हेल्प चिल्ड्रेन टू रेगुलेट दियर बिहेवियर वाइल डूइंग कम्प्लेक्स टास्क, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कार्य करते हुए बच्चों को उसके संज्ञा व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यही प्राइवेट स्पीच होता है वायरसी के अनुसार। तो लड़कियों को तिरंगा देख लेते हैं, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, या किसको दर्शाता है, यह दर्शाता है जेंडर सशक्तिकरण। क्या बोलते हैं इसको, जेंडर सशक्तिकरण, मतलब जेंडर होता है लिंग और एम्पावरमेंट मतलब उसको सशक्तिकरण। अगला देख लेते हैं, शिक्षा असफल कथन और विकथन कारक हैं। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह उपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्व घोरक है, तो बी तो सही लग रहा है कारक। तो सी देखिए यहाँ पर, एज ट्रू आर इज फॉल्स, एज ट्रू बट आर इज फॉल्ट फॉल्स, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान प्राप्त को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, और आर क्या है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्व घोतक है, सही है। तो इसका क्या है, कथन ये सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, तो गलत हो जाएगा। छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय हैं, ये भी तो गलत हो जाएगा। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर, छात्र और अध्यापक दोनों ही क्रियाशील हैं, अध्यापक क्रियाशील है परंतु जब दोनों क्रियाशील होंगे तभी ने एक बेहतरीन क्लास का निर्माण होगा, तो बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर सक्रिय। अगला देख लेते हैं, देखिए CDP 30 क्वेश्चन होता है, उसमें से मैक्सिमम 50 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में, मैंने दिया है, मैंने निकाला है तो पता है, तो आप आराम से पढ़ेंगे उसको ध्यानपूर्वक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है, तो जहाँ पर अनेक लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के, वहाँ पर समावेशी शिक्षा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, अब इसमें शिक्षिका क्या करेगी, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों का चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। और दूसरा देख लेते हैं, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मानित करके संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देके, सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर कूट में दिया है 1, 2, 3 ऐसे करके। तो चौथा देख लेते हैं, छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकी पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें, तो गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट जहाँ पर है 1, 2, 3। आगे देख लेते हैं, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक संयोजन करना चाहिए। रमणीक कक्षा में क्या है, एक दृष्टिबाधक छात्र मतलब विशेष देखरेख वाला बालक है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए, विविध प्रकार की दर्शनात्मक प्रस्तुति देकर, जब दृष्टिबाधक है तो कैसे विजुअल पर रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, किसी चीज़ को देख सकता है, पहला गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करवा के, भी गलत हो जाएगा जब देख नहीं सकता। तो मेकिंग यूज ऑफ टैक्टाइल मटेरियल सच एज 3D मैप्स एंड चार्ट्स, 3VM नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्श, देखिए यहाँ पर छूने से आ गया तो ये सही हो जाएगा क्योंकि दृष्टिबाधित है तो देखने में तो असमर्थ है, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, 3D मैप और चार्ट का इस्तेमाल करके जो स्पर्श किया जा सकता है वही सही हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देख लेते हैं, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है, तो यह है अपसारी सोच का, क्या है अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, रीना कक्षा में इसमें देखिए गए, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों से उसके बारे में सोचती है, यह अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रतीक है, क्योंकि अपसारी सोच
खोज आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। क्या करती है? खोज आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देती है। जब छात्र के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह छात्र उस समस्या के समाधान के लिए अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। अब सारी सोच द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त ओपन इंडेड वाला होता है क्योंकि स्टूडेंट स्वयं खोजते हैं। इससे सृजनात्मक बढ़ावा मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रीना ने कक्षा में दी गई समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचा। या क्या है? तो यह है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देख लेते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। देखिए यहाँ पर लिखने से संबंधित है, मैंने एक शॉर्ट कल बनाया था, तो लिखने से संबंधित होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं इसको, पठन डिसग्राफिया बोलते हैं, और डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं, पठन से संबंधित। तो यहाँ 61 लिखता है, बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित हो जाता है, मतलब देख के वो समझ नहीं पाता है बी है कि डी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा पठन वैकल्प, मतलब पठन संबंधी डिसलेक्सिया हो जाएगा। वहाँ पर जहाँ पढ़ने संबंधी समस्या होती है वहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाती है। डिसग्राफिया क्या होता है, लेखन संबंधी होता है, उसमें क्या होता है कि वह लिख नहीं पाता है। आगे देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्ति लक्षणों का निर्धारण करके, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति द्वारा, सहयोगात्मक। तो यहाँ पर समावेशी कक्षा में क्या होता है कि लड़कों को विशेष प्रकार के सहयोग देना पड़ेगा व्यक्तिगत लक्षणों का उसमें निर्धारण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो रोककर आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक कैसा देख लेते हैं। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? ये हाउ आर चिल्ड्रेन अंडरस्टूड इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव, ये तो नहीं समझा जाएगा। अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता लिए हुए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कभी कभी ना पढ़, जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप नहीं कभी देखे होंगे, उसमें से आप अपने तर्क का, अपने विवेक का प्रयोग करके उसको टिक मारेंगे, आप सही हो जाएगा। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है, बच्चों की असफलता का गुण रूपक हमेशा रोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों को किया जाए, गलत। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत देखना है, थोड़ा सही लग रहा है। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों का अकादमिक सफलता प्राप्त करने सक्षम नहीं है, सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 23 देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बाय इंकरेजिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। शिक्षिका प्राथमिक, यहाँ पर देखना है प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है, लर्निंग की छोटी छोटी, मतलब अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा तो होगा नहीं क्योंकि प्राथमिक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कि शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, तो छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए बच्चों को पुरस्कृत करके। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संपत्तियों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या कहलाता है? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना हो, क्या होता है, लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटर डिसिप्लिनरिटी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धूले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये किस स्मृति में संगठित होती हैं? या होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घ स्मृति, दीर्घ अवधि का स्मृति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है या कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है? शिक्षक को छात्रों की अवधारणा समझ में अवगत कराता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक सी, ए भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत, ये सही हो जाएगा। क्या कहता है, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। प्रश्न में क्या था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है?
तीन सही थे, ये गलत था कि यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर गलत है लेकिन सही हो जाएगा। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो करने जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटी दैट आर इंजॉयबल एंड सेटिस्फाइंग इन देमसेल्व्स? आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा और स्टेट मोशन। देखिए यहाँ पर लिखा गया आंतरिक अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक हो, जो हमारे अंदर से आती है। आंतरिक क्या होती है? आनंददायक और संतोषजनक होती हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक या जन्मजात अभिप्रेरणा वे अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि जन्म से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28वां। शिक्षिका की अपनी अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। क्या विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सा संबंध नहीं, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डी क्या लिखा है? बच्चों के अधिगम के लिए मार्ग निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है, अपेक्षाएँ होती हैं शिक्षिका के अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएँ उनके लिए अधिगम को महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बाल केंद्रित कक्षा का सृजन द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर प्रोवाइडिंग टाइम फीडबैक, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसको वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और फ्रेमवर्क जो होता है करिकुलम वाला 2005 हमेशा पूछा जाता है, तो आप उसको याद कर लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालयों की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, रिडक्शन इन द कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, विद्यालय की पाठ्यचर्या को लचीलापन में वृद्धि, एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेकात्मक चिंतन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, क्योंकि बच्चे को वही पाठ्य वस्तु पढ़ाया जाए उनके लिए आवश्यक हो, कटौती वाला पहला हो जाएगा। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि पर बल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार सीखने का अवसर मिल सके। गलत है, विवेकनात्मक चिंतन को महत्व दिया जाए ना कि रटंत को, तो रटना जहाँ होगा गलत हो जाएगा। तो यही है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 2020 का यही प्रस्तावित करती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, अपने स्टडी को ऐसे कंटिन्यू करें।